हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, मतलब जो कीटोन होते हैं उनका नामकरण IUPAC पद्धति के हिसाब से। तो कीटोन का जो नोमेनक्लेचर है उसको करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कीटोन को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन का होता है वो CO, या फिर हम इसको C इस तरीके से शो कर सकते हैं। और ये हमेशा जो कीटोन ग्रुप होता है ये दो कार्बन के बीच में लगाया जाता है, इसी वजह से ये कीटोन जो है वो प्रोपेनोन से स्टार्ट हुए हैं। तो इनके लिए जो सफिक्स है यानी कि अनुलग्न जिसको बोलते हैं, सफिक्स यहाँ पे ओन लगता है, ओन, इसका प्रोनंसिएशन जो है वो ओन होता है। तो इसी हिसाब से जो इनका IUPAC नाम है, IUPAC नेम, वो हो जाता है एल्केनोन। इनका नाम हो जाता है एल्केनोन। तो एल्केनोन जैसे अब ये दो कार्बन के बीच में लगते हैं तो हमेशा दो कार्बन का बीच का मतलब हो गया कि ये प्रोपेनोन से स्टार्ट होंगे। तो एग्जांपल बताती हूँ आपको, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो ये देख रहे हैं आप कार्बन चेन में, अगर ये ग्रुप आपको दिख रहा है यानी कि ये कीटोन है, तीन कार्बन की चेन है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। अब नंबरिंग के लिए दोनों तरफ से ही करने पे एक ही जैसा नंबरिंग आएगी, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रोपेन टू ओन, लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर दिया हुआ है CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप पांच कार्बन चेन, पांच कार्बन वाली चेन है और दो लगे हुए हैं कीटोन ग्रुप। नंबरिंग इधर से करेंगे तो भी वही सेम नाम आएगा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी वही सेम नाम आएगा। तो हमने यहाँ सिंपली इधर से नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पेरेंट एल्केन है पेंटेन, तो सबसे पहले क्या करना है, नाम लिख देना है पेंटेन, और किस जिस जिस पोजीशन पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है उस पोजीशन को लिखना है 2, 4। अब दो कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं तो इसका मतलब डाई, अगर तीन जगह लगे होते तो ट्राई, तो डाई ओन ये इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर दिया हुआ है CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 तो यहाँ देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन है और नंबरिंग यहाँ पे भी मतलब इधर से और उधर से करने में नंबरिंग सेम ही आएगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है तो 7 में सबसे पहले तो हमें इनका पेरेंट एल्केन का नाम लिख देना है, तो पेरेंट एल्केन हो गया हेप्टेन। और याद रखिएगा जब भी जो ये मेन सब फंक्शनल ग्रुप लगाए जाते हैं जैसे कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, या फिर कार्बोक्सिलिक हो गए, एल्डिहाइड हो गए, तो यहाँ पे जो एल्केन का लास्ट का ई होता है वो रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह पे ओन, ऑल, या फिर जो भी मतलब ग्रुप का नाम होता है वो लगता है। तो इसलिए हमें लास्ट का ई नहीं लगाना है, अगर ई लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो हेप्टेन लिख देना है, जिस जिस पोजीशन पे ओन ग्रुप लगा हुआ है उस पोजीशन को लिखना है 2 4 6, तीन जगह लगा हुआ है इसलिए ट्राई ओन। इसके अलावा CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3, एक ही एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसमें नंबरिंग करने का जो रूल है वो आपको याद रखना है, अगर हम इधर से करेंगे तो ये ग्रुप्स दोनों दूर पड़ेंगे, अगर इधर से करेंगे तो ग्रुप्स दोनों जो हैं वो पास में पड़ेंगे। तो नंबरिंग हमें उधर से ही करनी रहती है जहाँ से ग्रुप पास में पड़ रहे हों, यानी कि इन दोनों का जो सम है वो इधर से
नंबरिंग करने में कम आएगा, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो इन दोनों का सम जो है वो ज़्यादा आएगा। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन एटम की चेन है। हेक्सेन लिख देना है, 2 पोजीशन पे ओन ग्रुप है एंड 4 पोजीशन पे, तो डाई ओन। तो इस तरीके से इसका नाम ये हो जाएगा। तो ये कीटोन जो है, कीटोन अभी मतलब सिंपली एक ही ग्रुप दिया हुआ है कार्बन चेन में, तो अभी ये सिंपल तरीके से समझ में आ रहे हैं। जब मिक्सिंग वाले ग्रुप आएंगे तो फिर थोड़ा नाम में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, वो भी अभी आके बताऊंगी। तो सिंपली जब एक ही टाइप का ग्रुप है तो उसके हिसाब से ये कीटोन ग्रुप का नोमेनक्लेचर है। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नामकरण करते हैं तो इसके लिए भी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो होता है सी ओ ओ एच। तो ये सी ओ ओ एच जो है वो इस तरीके से भी लगा हो सकता है या फिर इस तरीके से भी लगा हो सकता है कार्बन चेन के साथ में। तो जो है यहाँ पे जो सफिक्स है वो लगाते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड मतलब ओइक अम्ल। तो यहाँ पे सफिक्स मतलब यहाँ पे जो नाम है एल्केन का वो नाम हो जाता है एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड मतलब जो एल्केन है उनका IUPAC नाम, अगर उनके साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ने के बाद उनका नाम हो जाता है एल्केनोइक एसिड। इसके भी एग्जांपल बता देती हूँ आपको। ये जो है सबसे मतलब प्रायोरिटी में हमेशा नंबर वन पे ग्रुप माना जाता है। तो इसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल पहले एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ, CH3COOH दिया हुआ है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया जितने भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाले हैं उनका भी कार्बन काउंट होता है चेन के साथ में। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH, तो इसके कार्बन को भी हम काउंट करेंगे और जिधर साइड से ग्रुप लगा हुआ है नंबरिंग उधर से ही करेंगे। तो यानी कि 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाले को बोलते हैं हम एथेन। अब ओइक एसिड लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एग्जांपल दिया हुआ है COOH, CH2CH2COOH, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं। तो हम नंबरिंग इधर से करें इधर से करें, बात एक ही है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन वाला है तो सबसे पहले हमें इसका पेरेंट एल्केन का नाम लिख देना है। तो ब्यूटेन 1 पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे है, 2 ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए डाई ओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से ये ग्रुप जैसे इस तरीके से लगा हुआ है ये ऐसे भी लगा हो सकता है, CH2 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 C, ये ऐसे भी मतलब ओपन करके भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है। तो आपको बस पहचान लेना है कि अगर एक तरफ OH लगा हुआ है एक तरफ O लगा हुआ है तो यानी कि ये COOH ग्रुप है। अगर यहाँ पे OH की जगह सिर्फ हाइड्रोजन लगा होता तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता। तो यहाँ पे भी नंबरिंग सेम हो जाएगी इधर से और उधर से, बात एक ही है। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 1.5 डाईओइक एसिड। तो एक तो इस तरीके से एग्जांपल आते हैं, कभी कभी इस तरीके का एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि CH2COOH CH2COOH CH2COOH। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप मतलब एक सिंपली पूरा चेन में सारे ओइक एसिड जो हैं वो काउंट नहीं कर सकते हैं। तब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब सारे फंक्शनल ग्रुप नहीं काउंट हो पा रहे हैं एक सीधी चेन में
तब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो कार्बन चेन होती है हम सिर्फ इसी को ही काउंट करते हैं। तो कार्बन चेन यहाँ पे तीन कार्बन की है, तो यहाँ पे 1, 2, 3। और जिस कंडीशन में हम ये ओइक ग्रुप नहीं काउंट कर पाते हैं तब हम इनका नाम ओइक एसिड ना लिख के पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड नाम लिखते हैं, यानी कि इसका नाम जो है क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई, यहाँ पे हम ओइक एसिड ना लिख के कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है चेन में ओइक एसिड को नहीं काउंट किया है इस वजह से। तो इसका नाम जो है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इसी तरीके से मान लिया चार कार्बन की चेन दी हुई है, CH2COOH, CH COOH, CH COOH एंड CH2COOH। तो यहाँ पे भी हमें सिंपली क्या करना है कि चारों कार्बन को काउंट कर लेना है, 3, 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1, 2, 3, 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिस नाम में कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप नहीं काउंट हो पा रहे हैं, मतलब सीधी चेन में है तब तो वो काउंट हो जा रहे हैं, तब तो हम वहाँ पे उनका नाम ओइक एसिड लगा देंगे, लेकिन जब वो नहीं काउंट हो पा रहे हैं तो फिर हम उनका पूरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड नाम लिखते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।